एवरीवन वेलकम टू दिस व्लॉग। तो भाई आज मेरे को जाना है पुणे। मुझे मुंबई में 5 साल हो गए बट मैं कभी ऐसे किसी के गणपति के टाइम पे किसी के घर पे नहीं गया। सो तो आज पहली बार मैं जा रहा हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है सचिन, जिसको मैं खारगढ़ से पिक करूँगा एंड फिर उसके बाद जाना है मैं पुणे। वहाँ 2-3 दोस्त हैं, उनसे मिलना है एंड यस लेट्स सी। अगर टाइमली नहीं निकला ना तो बहुत भीड़ होने वाली है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हार्डली सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ मैं, लाइक लिटरली। बट ठीक है, अभी बस आधे घंटे में रेडी होकर निकलता हूँ। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लेट हो गया बट आई थिंक आई एम ऑल सेट टू गो नाउ। भाई इस लिफ्ट में कुछ तो लफड़ा है। जा भाई जा भाई, वो पिछली वाली लिफ्ट मिल नहीं रही थी, मैंने दबाया नीचे जाने के लिए। चलो एनीवेज ऑलरेडी, बट एक बात बताओ यार, आपको ऐसा लगता है जब भी आप घर से निकलते हो तो लगता है कुछ छूट तो नहीं गया भाई? हाँ, तो कुछ ऐसा तो लगता है कि छूट तो नहीं गया या कोई गैस तो ऊपर नहीं है या है ना। मेरे को बहुत होता है यार, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा गैस वैस की ना फोटो ले लेता हूँ ताकि कभी मेरे को बीच में लगा यार वो खुला तो नहीं रह गया, तो मेरे पास फोटो। थोड़ी वियर्ड चीज है बट ठीक है। होपफुली गाड़ी वाले ने भी गाड़ी साफ कर दी होगी। हाँ, लड़का कर तो रहा है, अंदर से भी साफ हो गई है। गणपति बाप्पा मोरिया। तो भाई अभी खारगर भी ना यहाँ से अराउंड 1 घंटा दूर है, मतलब सुबह भी निकल रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत हो, खार अलग है खारगर अलग है। आप लोगों को लग रहा होगा अरे खार तो पास में ही है, अरे यार ये भी ढीला हो गया, खारगर जाना है मेरे को। तो वैसे पड़ेगा वो पुणे के रास्ते में बट ठीक है। अभी ना 6:44 हो रहे हैं, आधा घंटा में अगर थोड़ा सा लेट और निकलता ना यहाँ इतना जाम लग जाता आप पूछो मत। भाई येलो लाइटें, कम ट्रैफिक, बढ़िया मौसम, भाई इससे बेटर कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। भाई मैंने तो अभी ध्यान दिया अपने में तो डीजल भी कम है, डीजल ही भरवाना है। तो भाई अभी सचिन का करना है, यहाँ से दिखा रहा है 25 मिनट, मतलब मैं उसके बाद 7:45 के आसपास पहुंचूंगा। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मेरे गाड़ी का ना फास्ट टैग है, वो मैंने स्टिकर वहाँ नहीं लगा रखा था, गाड़ी नहीं रखा था, मिल नहीं रहा। पुराना वाला फास्ट टैग तो नहीं मिला भाई, नया लेना पड़ेगा। यार मैं रखा था यार। तो नावला के बादल ही नीचे आ गए भाई। बाय द वे ये सचिन आ चुका है। अभी हम जा रहे हैं सीधा पुणे की तरफ और बीच में कुछ खाने के लिए रुकेंगे। अभी है यहाँ पर खा लेते हैं एंड फिर निकलेंगे वापस पुणे की तरफ। तो भाई सचिन थोड़ा अपने बारे में बताया, BDS पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। भाई भाई थक गया, किसी को रिकमेंड करेगा? नहीं नहीं भाई भाई मत करो, एक्टर बन जाओ भाई बस विनल की तरह। नहीं भाई बीडीएस करो, डॉक्टर बनो, माँ बाप भी खुश, तुम भी खुश। तो हम आ गए भाई होटल में, चेक इन कर लिया है, अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे एंड उसके बाद फिर जाएंगे हम अपने दोस्तों से मिलने और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं क्या कुछ करेंगे। मेरा एक दोस्त कुछ वो भी आया हुआ है रूशल, वो भी कोरेगांव पार्क में कहीं रुका हुआ है, तो मैं उससे पूछूंगा अगर वो फ्री है तो उससे ही मिलते हैं। बाकी ये होटल, उस होटल में पहले भी आया हूँ मैं, एक बार आपको दिखाता हूँ। ये हमारे डॉक्टर साहब, ये यहाँ से हमारी एंट्री है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं बट ये पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था, या पता नहीं इन्होंने मुझे रूम ऐसा इस बार ऐसा दिया। एंड बोला इन्होंने मेरे को नो स्मोकिंग रूम दिया है बट पूरी स्मोकिंग की बांस आ रही है। तो भाई हम निकल लिए हैं और अभी जाएंगे हम वर्षा के घर पे एंड फिर उसके बाद देखते हैं। होटल सेंट लॉन, पहले काफी अच्छा हुआ करता था। आजा जगह है सब। हाँ, जगह वही
देख रहा हूँ लाइक, तो रोड पे चल रहे ना अभी तक मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा जिसपे मतलब ये पेड़ वेड़ ना हो, हमेशा हर एक उस पे छाया तो है ही। कभी पुलिस वुलिस से पकड़ा गया है? बहुत बार यार। पापा अभी टेंशन रहता नहीं है, पापा को कॉल कर दियो बस हो जाता है काम। स्पेशली ये सब्जी इज मेड बाय सुतेजा आंटी। सुन ना ये डाल। और वर्षा दिखा रही है कि सोफा कम बेड क्या होता है। अरे इसके लिए हेल्प करूंगा। जा भाई सोफा कवर फुल अच्छे से इंट्रोड्यूस कर हम लोग को। क्या कह रहे थे अभी सर? अरे नहीं बोल रही तुम लोग ऐसे मेहनत करा रहे हो भाई। बहुत बारिश हो गई है कि हमारा मन ही नहीं करा कि और अंदर जा पाए। लिटरली मैं ब्लॉग भी कुछ नहीं बना पाया, खाना लेके वापस आया हूँ। बट सिचुएशन ही ऐसी थी, गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत भीड़ होती है ट्रस्ट मी। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम निकले हैं वापस पुणे से मुंबई की तरफ एंड वर्षा को पिक कर लिया है एंड यहाँ से पहुंचे भी लगेंगे 3 घंटे। एंड ऑनेस्टली बहुत मजा आया, लाइक पहली बार मैंने गणपति किसी घर पे अटेंड करा है। ऑल्दो मेरे को 5 साल हो गए मुंबई में। सो इट वॉज रियली गुड, थैंक्स टू वर्षा, इसने इन्वाइट करा सुतेजा एंड सचिन एज वेल। तीनों ही डॉक्टर है और कमाल की बात है तीनों डॉक्टर है और तीनों मराठी हैं एंड बहुत मजा आया। तो अभी जा रहे हैं वापस, कुछ खाते हैं और फिर पहुंचते हैं घर। बाय। तो बस अभी आए हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ खाया नहीं है। और चुरा ली इसने यहाँ से कॉफी के पाउच। तो यार मैं तो आते ही सो गया था, लाइक शाम को पहुंच गए थे हम अराउंड 5 बजे के अराउंड। तो उसके बाद मैं सो गया था और जस्ट उठाऊँ तो अब बस कुछ खाऊंगा और दोबारा सो जाऊंगा। So if you really like this vlog, let me know and please like and subscribe and see you in the next video.